सीएम अशोक गहलोत की पहल पर राज्य में पहली बार राजस्व दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व विभाग की ऑनलाइन योजनाओं का ई लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद किया। कार्यक्रम में कई मंत्री और जिला कलेक्टर से लेकर पटवारी तक सभी उपस्थित रहे। वहीं सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आईटी के युग में यह सब संभव हो सका है। राजस्व विभाग की सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है। किसान अब ऑनलाइन अपने भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता है। भू नामांतरण, गिरदावरी रिपोर्ट, पंजीयन जैसे कामों के ऑनलाइन हो जाने से लोगों को राजस्व विभाग के कार्यालय में बार बार चक्कर लगाने के परिश्रम से छुटकारा मिलेगा। सीएम गहलोत ने कहा कि अब से राजस्व दिवस इस विभाग के कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन होगा। वहीं उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि कांग्रेस ने 17 साल में क्या किया। उनसे कहना चाहता हूं कि जो देख रहे हैं यह सब कांग्रेस की ही देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सोच के कारण ही यह सब आईटी का ही लाभ मिल रहा है। आज राजस्व दिवस की शुरुआत पहली बार हो रही है। आजादी के बाद में पहली बार राजस्व दिवस मनाने का जो निश्चय किया गया उसके लिए मैं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी को, इनके तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, तमाम विभाग के अधिकारियों को, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन साहब को और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि एक दिवस की शुरुआत करना, अब ये हमेशा हर साल आज का दिवस मनाने का संकल्प हमें लेना है, जिससे कि हम लेखा जोखा कर सके पूरे साल भर का कि एक साल में हमने क्या क्या काम किए, क्या क्या फैसले किए, कितनी प्रोग्रेस करी, कहाँ कहाँ अड़चन आई और कैसे हमने दूर करी। तो एक विभाग का लेखा जोखा, और वो भी वो विभाग जो राजस्व लाखों करोड़ लोगों से ताल्लुक रखता है। जैसे मंत्री जी ने कहा कि आजादी के बाद में पंडित नेहरू के जमाने में जो क्रांति की गई और मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे, जिस प्रकार 15 अक्टूबर 1955 को एक दिन पहले किसान जो था वो खेतिहर मजदूर था, मालिक नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश काल में और सामंतशाही का जो शासन था, राजा महाराजाओं का शासन था, उस वक्त में जागीर हुआ करती थी। उस वक्त में जागीरदार और राजा महाराजा थे, वो गांव को भेंट करते थे, गांव के गांव को। परंतु इतनी बड़ी क्रांति आजादी के बाद होना कि आप एक कलम से तमाम जो खेत जोत रहा है, बो रहा है, वो मालिक बन जाए, इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। नई पीढ़ी को ये बातें मालूम नहीं है, इसलिए कुछ हमारे साथी सरकार माने के बाद में कई तरह गलतफहमी पैदा करते हैं। देश में 70 साल में क्या हुआ।